लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ तो कार्रवाई स्टार्ट की जाए, चलो हमारे पास टाइम नहीं है, हमको घर पर कपड़े भी धोना है। अरे थोड़ा टाइम लेके आया करो जज साहब, अरे इतनी जल्दी मचाओगे तो कैसे फैसला होगा? क्यों ना मचाए जल्दी, हैं? हमारी मर्जी, हम चाहे जल्दी मचाए चाहे कुछ मचाए, हैं? फटाक से बताओ फैसला क्या करना है? फैसला ही करना है जज साहब कि इनके खेत में इनकी बकरी, ये जो खड़े हैं खटगरे में, ये अपनी बकरी बांधत नहीं है और इनके खेत में छोड़ देते, इनका खेत पूरा खराब कर देते, वह है ना, बताओ जज साहब का तुम। हाँ जज साहब, ये हमारे खेत में जानबूझ के छोड़ते हैं बकरी, कि जो है हमारे खेत पूरा खराब कर दे इनकी बकरी, उका खलाए पिलाए को मोटा करे हैं और सबके खेतन में जा जाए के वह मुंह मारत है। अभी इनका फैसला करो, इनका जेल भेजो तभी जान पाई है। हाँ तो बताओ तुम अपनी बकरी काहे छोड़त हो, हैं? काहे बांध के नहीं रखा तो अपनी बकरी, सब तरफ जाए के सबका नुकसान कर रही है। जज साहब बकरी तो बकरी है, वो कहीं भी आई है जाइए, अब उका का हम रोक पाइबा कहूँ के आगे पीछे की उके बैठ के ऊपर हम चलन है, अब उका जहाँ जाना हो थे वो वहाँ चली जात है। जहाँ जाना हो थे वहाँ चली जात है, अरे कम से कम को रोक को तो रखो, किसी का नुकसान ना करे है। पहले ही बताओ तुम्हारा वकील कहाँ है, वकील कहाँ है तुम्हारा? हम वकील वकील नहीं किया है जज साहब, अब जहाँ बकरी जाना हो दे वहाँ जा दे, हम अपना केस भी खुद ही लड़ लेंगे, कोई वकील वकील की जरूरत ना ही है हमका। बड़े चिरकुट भान टाइप के आदमी हो, अरे पता नहीं किस टाइप के आदमी हो, अरे कम से कम वकील तो करना चाहिए, खुद ही लड़ लेंगे केस, खुद ही लड़ लेंगे, अरे कोई खुद को खुद लड़ता है केस? बताओ पूरा दिमाग गर्म कर दिया है साला, है? एक तो यहाँ पंखा भी नहीं चलता है, अरे पंखा चला यार। पंखा ना चलिए वरना तुम सो जियो साहब, फिर कैसे यहाँ केस की सुनवाई हुई है? तुम अपनी बकरी बांध के रखो बस, साफ बात ठीक है, जब बकरी देख नहीं पाओ तो बकरी बांध के रखो, छोड़ो ना बकरी। साहब अब हम झूठ का बोलन आपसे, बकरी तो हम बांध ना पाईबा, बकरी जहाँ मर्जी हुई है वहाँ वहाँ घूमिए और इनका जो करना हो वो कर लें, हमारी बकरी है वो हर जगह घूमिए बस। हमारे सामने बहुत दादा ना बनो ठीक है, अपनी बकरी बांध लो वरना तुमका भी जेल भेज देंगे और तुम्हारी बकरी भी जेल भेज देंगे, समझ रहे हो बात हमारी? तुम साफ साफ बताओ अपनी बकरी बांधोगे कि नहीं बांधोगे, हाँ बताइए, एक अगला आदमी परेशान है और तुम अपनी बकरी बांधी नहीं रहे हो। हम बकरी ना बांधबा क्योंकि बकरी हमारी बहुत प्यारी है, उका जहाँ मन हुई है वहाँ जाइए, तुमका जो करना है वो कर ले, जज साहब का जो करना है वो कर ले, ठीक है जी का जो करना है वो कर ले, बकरी हमारी घूमी है। ये कैसा भट्ट गवार आदमी है, आए बताओ जज साहब बैठे हैं सामने, उसके बाद जरा सी भी कोई आंखें मत दीदन मत डर रही है और कह रहे हैं कि बकरी हमारी घूमी है, बकरी हमारी घूमी है, बकरी हमारी घूमी है, साले इनकी बकरी ना हो गई, साले जज के पास और कोई काम नहीं है का? आए ये बकरी और भेड़ बकरी भेड़ बकरी भेड़ बकरी भेड़ बकरी बकरी के मगर में सारे जगह के मगर इनका जाले सबका। ज्यादा ना चिल्लाओ सर वरना ब्लड प्रेशर बढ़ जाइए आपका। कैसे ना चिल्लाए यार, ऐसे ऐसे भट्ट गवार आदमी आते हैं देख रहे हो, भेड़ बकरी के मुकदमे चल रहे हैं। हम कुछ नहीं जाना धनजात साहब, अब की बार अगर इनकी खेत में हमारे बकरी आ गई तो ये समझ लियो कि वो बकरी दोबारा वापिस जाइए ना, वो बकरी का हम ले जाके कहीं बेच दे। अच्छा तो तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम हमारी बकरी ले जाए बेचियो, ठीक है तुम बेच के दिखाओ, तुम बेचो देखा तुम कैसे बेचो, तो देखा तुम कैसे बेचो, तू अब की बार आए तो जाए हमारे खेत में तुम्हारी बकरी, न बेच लिया तब कहो नजर ना ये बकरी तुम्हारी कहीं। अरे चुप करो यार, तुम लोग यहाँ लड़ने आए हो, फैसला हम करेंगे, तुम लोग आपस में कर लोगे, अपन में बाहर ही कर लेते फैसला, यहाँ कर लियो तुम लोग, अरे जब जज बैठा है तो जज फैसला करेगा ना, अब कोई नहीं लड़ेगा, अरे होटल नहीं है ये कोर्ट है हमारा, बात खत्म हो गई, वो बकरी हम ले लेंगे, हमें तो बकरी यार कितना दूध देती है बकरी, वो बताओ
साहब 1 लीटर सुबह और 1 लीटर शाम दूध दे दे बकरी हमारी, बहुत अच्छी बकरी है हमारी। साहब मैडम से पूछे बगैर बकरी ले ले तो मैडम गुस्सा आ गई तो घर में गुस्सा ही ना दे तुमका। चुप रहो यार तुम, चल रखो मैडम 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 करके डाया करते हो यार। क्या है तुम्हारी मैडम, हवा है का खाई है? अरे चुप रहो यार, अच्छा खासा है, 1 लीटर सुबह 1 लीटर शाम दूध देती है, अच्छी है ना बकरी? ठीक है ये बकरी हमारी हुई, तुम ये बकरी हमें दो, ये झगड़ा खत्म करो, ठीक है ना भैया? बात खत्म। चलो अब खुश रहो, जज साहब ने अच्छा फैसला किया, बकरी खुद ही खरीद ली, तुम्हारी टेंशन खत्म। जाओ भैया तुम आराम से अपना खेत वेत देखो। हाँ ठीक है भैया, जज साहब तो बहुत अच्छे हैं, जज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जज साहब। कार्रवाई शुरू की जाए। कार्रवाई तो अब आपके ऊपर करने आए हैं ये सर। हमारे ऊपर क्यों, हमारे ऊपर कार्रवाई करने लगे ये? वो बकरी अभी भी इनका खेत बिगाड़ रही है जज साहब। क्या वो बकरी हमारे यहाँ से कैसे इनके यहाँ पहुँचने लगी हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हम नहीं मान सकते। तुम्हारे बड़ी खिल्ली छूट रही, क्या बात है हैं? साहब वो इनकी बकरी जो लिया रहा है हम लोग, वह पूरा दीवाल विवाल फान के भाग जाते, बहुत जैद बकरी है, उसका संभाल ना पाइए कोई। हम कुछ नहीं जानते जज साहब, हमारे खेत में वो बकरी आना नहीं चाहिए, बस हमारा नुकसान होता है, कौन भरेगा हमारा नुकसान? तो ठीक है वो बकरी इनको दे दो, ये अपने पास रखें, तुम्हें वो बकरी खरीदनी पड़ेगी, ये मेरा फैसला है, और वो बकरी तुम्हारे साथ रहेगी, फिर चाहे तुम्हारे खेत में घुसे, चाहे तुम्हारे घर में घुसे, चाहे जहाँ घुसे, ठीक है वो बकरी आज के बाद तुम्हारी। नहीं जज साहब ऐसा मत कीजिए, वो बकरी हमें बर्बाद कर देगी।